नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो सेशन है वह कुमारी असव नंबर 3 इस पर है। कुमारी असव नंबर 3 आप लोगों ने भी यूज किया होगा और आप लोगों का भी इसका बहुत अच्छा अनुभव आया होगा, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपना अपना अनुभव इस पे जरूर बताएगा। कुमारी असव नंबर 3 जो है यह हमें गद निग्रह नाम का जो हमारा ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसका अध्याय नंबर 6 में इसके बारे में बताया है। आप लोग भी कुमारी असव का प्रयोग करते हैं, कुमारी असव नंबर 1 नंबर 3, तो हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे। और कुमारी का मतलब आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इसको एलोवेरा को कुमारी बोलते हैं, घृत कुमारी या कुमारी बोलते हैं। तो इसको एक मिनट। हेलो हाँ, तो हम लोग कुमारी असव नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और यह जो कुमारी असव जो है यह हम लोग बच्चों को देते हैं, तो इसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले है कि कुमारी का रस निकालना है हमें, एलोवेरा का पूरा रस निकालना है, 4 लीटर की मात्रा में लेना है। गुड़ जो है, गुड़ 3 किलो, क्योंकि हमें यह असव बनाना है तो 3 किलो की मात्रा में गुड़ लेना है। फिर तमाल पत्र 40 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, इलायची 40 ग्राम, नाग केसर 40 ग्राम, लवंग 40 ग्राम, सेंधा नमक 40 ग्राम, हल्दी 40 ग्राम, दारू हल्दी 40 ग्राम, करंज का छाल है 40 ग्राम, पिपली 40 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, धातकी का पुष्प 40 ग्राम, अक्कल कारा जो है वो 40 ग्राम, बच्चा का चूर्ण है वो 40 ग्राम, जयपत्री 40 ग्राम और विडंग 40 ग्राम, हरिचकी का चूर्ण 80 ग्राम जो है वो 80 ग्राम ज्यादा मात्रा में दिया गया है। तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये आसव है, इसको हमें अरिष्ट नहीं बनाना है, आसव बनाना है। तो इसको हमें कुमारी का रस लेना है 4 किलो, 4 लीटर, गुड़ जो है वो 3 किलो, तमाल पत्र 40 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, इलायची 40 ग्राम, नागकेसर 40 ग्राम, लवंग 40 ग्राम, सेंधा नमक 40 ग्राम, हल्दी 40 ग्राम, दारू हल्दी 40 ग्राम, करंज की छाल 40 ग्राम, पिपली 40 ग्राम, मरीच काली मिर्च है वो 40 ग्राम, धातकी पुष्प 40 ग्राम, अक्कल कारा 40 ग्राम, बचा का चूर्ण 40 ग्राम, जयपत्री 40 ग्राम, विडंग का चूर्ण 40 ग्राम और हरिचकी का चूर्ण 80 ग्राम। और हमें पानी जो है वो 10 लीटर लेना है। और ये जो कुमारी का जो हम लोगों ने पूरा पल्प निकाला 4 किलो, उसको पूरी तरह से पानी में 10 लीटर पानी में घुल जाना चाहिए,
अच्छा डिजोल्व हो, इसलिए 10 लीटर ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है कि कुमारी का जो छिलका होता है वो निकाल के अंदर का जो मज्जा होता है वो पूरा 10 लीटर पानी में मिक्स करके, और जो मथनी है उसे पूरी तरह से, या फिर पीस दीजिए हाथ से, ग्लव्स पहन के, और पूरी तरह से पीस देना है, पानी में मिक्स कर देना है। और फिर क्या करना है कि जितने भी तमाल पत्र, दालचीनी, इलायची, दाना, केसर, लवंग, सेंधा नमक, हल्दी, ये सब धीरे धीरे करके मिक्स करते जाना है, पूरा डालते जाना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि अलग से धातकी का 40 ग्राम तो हमने लिया ही है, हमें धातकी का चूर्ण 250 ग्राम और डालना है। और ये करके जिस भी पात्र में हम लोग बना रहे हैं उसको पूरी तरह से एयर टाइट करके 3 महीने के लिए बंद करके रख देना है। कुछ लोग धान्य राशि में रखते हैं, कुछ लोग मिट्टी के गड्ढा खोद के उसमें डाल के रख देते हैं। फिर 3 महीने के बाद क्या होता है कि आसव का सिद्धि लक्षण आता है, तो अगर सीटी बज रही है तो वो संधान क्रिया हो रही है, सीटी आना बंद हो गया तो संधान क्रिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि दिया सलाई लेते हैं, मैच बॉक्स, और उसको जलाते हैं। मैच बॉक्स जलाने से जब तिल्ली जो है वह बुझ बुझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो यह अभी बनानी है। जब वह जलते रहे तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन निकाल रहे और वह संधान क्रिया हो चुकी है। तो संधान क्रिया का यह है कि मैच बॉक्स जलाने से दिया सलाई जो है वह पूरी तरह से जलते रहता है, ऑक्सीजन निकलने लगता है, संधान प्रक्रिया हो जाती है। फिर इसको इष्ट गंध वर्ण जो मतलब आसव का जो कलर है, फिर उसके बाद टेस्ट है, स्मेल है, वो अगर आ रहा है, इष्ट गंध वर्ण आ गया तो इसका मतलब वो आसव बन गया है। और इसके और भी है, SPTLC, TLC, स्पेक्ट्रोमेट्री, वो उसको बहुत सारे लैब में टेस्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत मॉडर्न पैरामीटर्स आ गए हैं कोई भी मेडिसिन को चेक करने का, लेकिन हमारा जो पारंपरिक पद्धति है वो यही है कि इष्ट गंध वर्ण हो जाए और फिर सीटी आना बंद हो जाए तो वो सिद्ध हो गया, और दूसरा दिया सलाई से। तो इस तरह से होता है, फिर उसको छान के बॉटल में भर लेना है। इसको ध्यान में जब हम लोग करते हैं ना, तो जिस कुमारी को हम लोग ले रहे हैं, एलोवेरा को ले रहे हैं, उसमें जितना वो मज्जा अंदर का रहेगा जल, उतना वो कुमारी ऐसा अच्छा बनता है। तो सूखा सूखा नहीं लेना है, एकदम फ्रेश और बड़ा बड़ा कुमारी लेना है जिसमें पूरा अंदर मज्जा भरी हुई है, वह लेना है। और दूसरा क्या है कि जब कुमारी बनाते हैं हम लोग तो उसका छिलका निकालते टाइम ध्यान से करना है कि हम हमारे हाथ को ना कट जाए, उसको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि जब आसव अगर बन जाता है तो हम लोग जो आवाप द्रव्य डालते हैं उसमें, तमाल पत्र, दालचीनी वगैरह, तो वो पूरा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, हमने डुप्लीकेट क्वालिटी का लिया, तो दीपन और पाचन गुण जो है आसव में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमको ये दीपन और पाचन करने वाला द्रव्य बनाना है। तो जब इस तरह से कुमारी ऐसा नंबर 3 बन जाता है, ये जो मैंने बताया सारा, या किसका है, तो या गद निग्रह नाम के ग्रंथ का है। अगर हम लोग योग रत्नाकर का कुमारी ऐसा नंबर 3 देखते हैं, या फिर हम आयुर्वेद सार संग्रह का देखते हैं, तो उसमें क्या बताया है कि हरित की लेना है, 1.5 शेर की मात्रा में लेना है, और पानी में उसको पकाना है। वहां पे पकाने के लिए बोला है, आसव बनाने के लिए बोला है। और फिर क्या करना है कि गुड़ डाल के और उसमें कुछ कुछ द्रव्य डालना है, जैसे जायफल, लौंग, कंकोल, कबाब चीनी, जटामांसी, और चव्य, चित्रक मूल, जावित्री, काकड़ा श्रृंगी, बेड़ा, पुष्कर मूल, लौ भस्म, ताम्र भस्म, ये सब डाल के बनाने के बोला है। वह आजकल नहीं बनता है, आजकल कुमारी ऐसा जो आता है योग रत्नाकर वाला ना आके, या गद निग्रह वाला ही ज्यादातर आता है। आप लोग जो भी कुमारी ऐसा नंबर 3 लेंगे वो आप लोग देखिएगा कि कौन सा ग्रंथाधार है, कौन से ग्रंथ से लेके बनाए हैं, तो आप लोगों को कंटेंट के हिसाब से पता चल जाएगा। कोई भी कुमारी ऐसा 3 लेंगे, कोई भी ग्रंथ का आधार लेके बनाए हैं, तो वो वायु का अनुलोमन करता है, पित्त का भी अनुलोमन करता है, और अगर ज्यादा मात्रा में लिया बिना पानी के मात्रा को देख के और ज्यादा मात्रा में लिया तो ये पित्त का वर्धन करके विरेचन कर्म कर सकता है, पित्त का द्रव गुण बढ़ा के विरेचन करा देता है, और ये कफ नाशन का विशेष कार्य करता है। और यह रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु पर विशेष रूप से कार्य करता है, और यह पुरुष मल पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कुमारी जो रहता है वो भेदन का कार्य करता है, पेट को अच्छे से साफ करता है। उसी तरह से यह यकृत पे बहुत अच्छा काम करता है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कुमारी ऐसा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। प्लीहा में बहुत अच्छा काम करता है, स्प्लीनोमेगेली हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, या फिर जहां पर स्प्लीन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पच्चमानाशय पे अच्छा काम करता है, गर्भाशय पे भी, यूट्रस में भी, तो इसीलिए गायनेकोलॉजिकल हर प्रॉब्लम्स में कुमारी ऐसा दिया जाता है, ये मेंसेस को रेगुलर कर देता है।
इसी तरह से ये अन्नवा स्रोतस पे अच्छा काम करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। रसवा स्रोतस, रक्तवा स्रोतस, मातवा स्रोतस, आर्तवा स्रोतस पे विशेष रूप से कार्य करता है। कुमारी आसव को देखें तो ये सामावस्था में भी काम करता है, निरामावस्था में भी काम करता है, ये आम का पचन कर देता है, दीपन पाचन, क्योंकि ये आसव है तो इसका प्रॉपर्टी है कि ये खुद ही दीपन और पाचन कार्य कर देता है, तो निरामावस्था में भी काम करता है, सामावस्था में भी काम करता है। यह उत्तम अग्निवर्धक है। जब भी जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको आपने कुमारी आसव पिलाया तो उनका अग्नि अच्छा हो जाएगा, उनका भूख अच्छा हो जाएगा, उनको फ्रेश लगने लगेगा और उनके ओज तेज सब बढ़ जाएगा, उनका पेट साफ होने लगता है। तो कुमारी आसव का प्रयोग जो है वह हम लोग दीपन पाचन के रूप में भी करते हैं। यह सर्व गुणात्मक रहता है, भेदन कार्य करता है। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मल का भेदन करता है, मल का रेचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। बहुत सारे लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमको पेट में गैस हो रहा है बहुत ज्यादा, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, आधमान होता है, आटोप होता है, ऐसे उदावर्त होता है, सारे जो पेट की बीमारियां रहती है उसमें वायु का अनुलोमन करना है, तो कुमारी आसव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ये मूत्रल भी होता है, अच्छे से यूरिन बना के और यूरिन को बनाता है, निकालता है, मूत्र उत्पत्ति करता है, लघु है, दीपन पाचन कार्य करता है। इसका रस वीर्य विपाक देखो तो ये तिक्त रसात्मक रहता है, शीत वीर्यात्मक रहता है और कटु विपाकी रहता है, मतलब पेट पे जाके ये तीखा बन जाता है जैसे मिर्ची होता है, तो ये कटु विपाक से दीपन पाचन कार्य करता है। यह पृथ्वी तत्व का शरण करके आप और तेज का वर्धन करता है, क्योंकि ये जलीय एक मेडिसिन है, आप प्रधान है तो ये जल तत्व का वर्धन करता है, तेज तत्व का वर्धन करता है और वायु का अनुलोमन करता है, आकाश तत्व का वर्धन करता है, मतलब पूरा आम का पचन कर देता है, तो अपने आप स्रोतस खुल जाते हैं, तो आकाश और वायु का, ये वायु का तो अनुलोमन करता है और आकाश तत्व का वर्धन करता है। ग्रंथों में कुमारी आसव के बारे में बताया है कि ये गुल्म व्याधि, पेट में बायगोला हो गया उसमें अच्छा काम करता है, 13 अधारणीय वेगों को रोकने की वजह से जो उदावर्त होता है उसमें काम करता है, आधमान में पेट अगर बहुत फूल गया है तो उसमें काम करता है, पार्श्वशूल छाती में, रिब्स में, पार्श्व में बहुत पेन हो रहा है उसमें अच्छा काम करता है, उदर विकारों में, कफ में, अग्निमान्द्यता में, कास श्वास हिक्का, कास श्वास में तो कुमारी आसव का उपयोग आप लोगों ने भी किया होगा, खांसी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है, हिक्का हिचकी आ रही है, राजयक्षमा में, यकृत प्लीहा की वृद्धि, हिपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कामला व्याधि में, जॉन्डिस में भी कुमारी आसव देने से फायदा होता है। फिर अल्पार्तव जहाँ पे स्कैंटीमेंटेज है या एमेनोरिया है उसमें काम करता है, डिसमेनोरिया कष्टार्तव में काम करता है, अनार्तव अमेनोरिया प्राइमरी और सेकेंडरी अमेनोरिया में काम करता है, फिर इरेगुलर मेंसेस अनियमित आर्तव अगर आ रहे उसमें काम करता है, श्वास कष्ट, सर्दी, छींक, फिर छींक की बीमारियां बहुत सारी रहती है, बहुत सारे लोग एसी में काम करते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं उनको छींके बहुत आने लगती है, तो ठंडा और गर्म जिनको सहन नहीं होता है, तो और बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एसी में ज्यादा अगर लगा दिया तो एसी में, अभी आपके पास पेशेंट आएंगे जो एसी के वजह से छींके और उनको श्वास कष्ट होता है, तो उनको कुमारी आसव देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब वो कंट्रोल में रहता है, इसको हम लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं। फिर राजयक्षमा में, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। फिर उसी तरह से पांडु विकार में जहाँ पे खून की कमी है, तो ये मैंने गद निग्रह वाला बताया वह भी बहुत अच्छा काम करता है, और जो मैंने योग रत्नाकर का बताया जिसमें ताम्र और लौह भस्म है वह भी ताम्र और लौह की वजह से पांडु रोग जहाँ आरबीसी कम है और हीमोग्लोबिन कम है वहां पे पांडु रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। बस ये कुमारी आसव को, क्योंकि गुड़ डाला हुआ है, आजकल तो चीनी डाल के बनाते हैं, पहले के जमाने में गुड़ डाल के बनाते थे, तो ये गुड़ और चीनी के योग है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है, ये हमेशा याद रखिए। फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, पुराने से पुराना ग्रहणी रोग रहता है, आईबीएस इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम हो गया, या फिर एबडोमिनल डिसकम्फर्ट हो गया, प्रवाहिका में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है, बहुत सारे आपके पास पेशेंट आते हैं कि हमारे ऐसे रिपोर्ट में है कि इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है और उसकी वजह से डाइजेशन बहुत वीक है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो 4 चम्मच ये हम दे सकते हैं मिनिमम, या 20 ml, 20 20 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और इसको संभाग कोष्ण जल के साथ देने से फायदा होता है, कोष्ण जल मतलब ल्यूकवार्म वाटर के साथ, और खाना खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये किसको नहीं देना चाहिए, तो यह कुमारी जो होता है वो थोड़ा सा तिक्त रसात्मक होता है, तो जिनको कड़वा से बहुत ज्यादा घृणा है उनको ये नहीं देना है, और आसावरिष्ठ की वजह से जिनको, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मुखपाक होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं आसावरिष्ठ का प्रयोग करने से, उनको ये बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे लोगों को कुमारी आसव के बदले में
एलोवेरा का जो जेल होता है फ्रेश, जो अंदर का भाग होता है, वो लगाने के लिए दे दीजिए। जब वो ठीक हो जाए तब आसावरिष्ठ का प्रयोग करिए। उसी तरह से अग्नि मान्यता जिनको है, कामला है, यकृत प्लीहावृत्ति है, उदर विकार है, जलोदर है, उसमें आरोग्य वर्धनी के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मल प्रवृत्ति और अच्छे से साफ करना है, मल प्रवृत्ति को तो गंधव हरित की, त्रिफला चूर्ण, एरंड हरित की के साथ देने से फायदा होता है। इस तरह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, प्रवाहिका है, ग्रहणी है, आंत्र शोथ है उसमें, और लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रहणी है तो मूत्रबद्ध मुहूर्त द्रवम मल प्रवृत्ति है, या जीर्ण अतिसार है तो उसमें कुटजा रिष्ट के साथ कुमारी ऐसा को मिक्स करके कॉकटेल जैसा बना के फिर दे सकते हैं। सुबह शाम आरोग्य वर्धनी बटी, रात में त्रिफला चूर्ण गंधर्वहृत की के साथ देने से फायदा होता है। इसी तरह से जिनको श्वास कास और प्रतिशय, राजयक्षमा ऐसी व्याधि है तो उनको ये करते हैं, 64 पिपली चूर्ण के साथ मिक्स करके और 4-4 चम्मच सुबह शाम देने से फायदा होता है। इसी तरह से राजयक्षमा है, हृदय विकार है, तो श्रृंग भस्म रजन्यादि वटी के साथ कुमारी ऐसा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो कुमारी जो बोला है ना, स्त्रियों के लिए बहुत ही वरदान ऐसा औषधि है जो भगवान ने हमें वरदान के रूप में दिया है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्त्रियों में, मतलब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उनमें पांडुता भी होती है, खून की कमी होती है और मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है। कोई ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेधावृत बात। तो ऐसे में अनार्तव कभी कभी हो जाता है, पीसीओडी, फाइब्रॉइड वगैरह रहा तो उनमें अनार्तव होता है, कष्टार्तव होता है, अल्पार्तव होता है, या अनियमित आर्तव होता है। तो ऐसे में कुमारी ऐसव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग कन्या लोहादी वटी और कुमारी ऐसव का प्रयोग करें, और अगर अच्छे से नहीं हो रहा मेंसेस क्लियर तो गाजर का बीज का काढ़ा बना के दें, वह बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुमारी ऐसव का प्रयोग जो है वह मेदु वृद्धि में बहुत अच्छा काम करता है। रजो दर्शन के समय पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा, मतलब कष्टार्थ हो रहा है, या फिर दमा, खांसी, अम्लपित्त, पेट में बायोगोला, ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है कुमारी ऐसा। खासकर यकृत को बल देने वाला है, ग्रहणी कला को अच्छा करने वाला है, और यकृत से पित्त का स्त्राव को अच्छे से, मतलब अच्छे से स्रोतों दूर करके पित्त का स्त्राव अच्छा कर देते हैं। उसी तरह से रक्ताणुओं की वृद्धि कर देते हैं, तो रक्ताणुओं की वृद्धि करने से पांडुता को भी ये ठीक करता है, यकृत को भी ठीक करता है, रक्त व स्रोतस को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। और दूसरा क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि कुमारी का जो परिणाम है, जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है कुमारी ऐसा देने से, उनको ये कम मात्रा में दे या उनको ना दे, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जिनको कुमारी ऐसा लेने से लूज मोशन होता है। इसी तरह से या उन्माद और अपस्मार में भी स्मृति सागर रस, फिर उन्माद गज केसरी रस और पंचामृत लोह गुगुल, उनके साथ हम लोग देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये पुराना ज्वर में, मंद ज्वर में, अग्नि मंदता में, और शुक्र दोष में, फिर मूत्रकृच्छता में, फिर मेंसेस के हर बीमारी में काम करता है। गर्भाशय के दोष हो गया, आर्तव की अशुद्धि हो गया, अम्लपित्त हो गया, संग्रहणी हो गया, फिर वात विकार, फिर ये अर्श व्याधि, बवासीर जिनको होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और यह जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनको तो कुमारियासव नंबर 1 दिया जाता है, ये कुमारियासव नंबर 3 है, वो स्त्रियों के लिए बहुत वरदान साबित होता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर आशा मैम, अंजना मैम, आप लोग बताइए, कुमारियासव नंबर 3 का प्रयोग किया है आप लोगों ने? आप लोग का क्या अनुभव है? तकदीर सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम। तो हाँ, हाँ जी मैम बताइए, बोलिए। सब प्रणाम। ये कुमारी आसव का प्रयोग हम ऑलिगोमेनोरी के पीरियड्स कम आते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होता है, उसमें कुमारी आसव का प्रयोग किया मैंने। और यकृत की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी और आदि उसका भी प्रयोग करने से काफी आराम मिलता है सर। जी तो आपने कितना दिन चलाया और कितने मात्रा में दिया आपने, वो तो बताइए। मैं तो 2 चम्मच दवाई, 2 चम्मच पानी मिला करके दिन में 3 टाइम देती हूँ, और कम से कम 2 महीने लगातार दवाई चलती है सर। अच्छा तो उससे फायदा हो जाता है जी। हाँ और जी किसी, सर। हाँ थैंक यू मैम, आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं,
अर्चना मैम, अखिलेश तिवारी जी, आपने कुमारी आसव का प्रयोग किया है क्या? अखिलेश तिवारी जी बताइए, आप कुछ बोलेंगे आप कुमारी आसव नंबर 3 के बारे में? अर्चना मैम कुछ बोलिए आप। अंजना मैम हाँ सर, स्कैंटिमेंसिस ने ही शुरू किया है सर, अभी एक पेशेंट को जी, कितना अभी स्टार्ट किया सर, लेकिन सर मात्रा में? 2 चम्मच दे रही हूँ 2 टाइम। अच्छा ठीक है, फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। हाँ सर, जरूर सर, थैंक ठीक यू है, सर। बाकी लोग बताइए, सब लोग सुनने के लिए आते हैं, सबका अनुभव। हाँ जी सर, प्रणाम सर, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया आज का टॉपिक लिए, कुमारी आसव 3 तो बहुत बढ़िया है और बच्चे के लिए तो एक यूनिक मेडिसिन है। और हम लोग तो समझते हैं कि सिर्फ पाचन क्रिया के लिए है, लेकिन अगर हम अनुपान के साथ देते हैं तो बहुत सारे बीमारी में काम करता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है सर, ये तो मेरा फेवरेट मेडिसिन है हाँ, तो और आप कितना देते मात्रा ही में हैं देते हैं, कितना मात्रा में, कौन कौन से व्याधियों में आप दिए हैं कि अच्छा रिजल्ट सर। आया? ये एज के अनुसार है, हम तो बहुत मतलब 6 महीने के बच्चे को भी ये देते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे उसका 6 महीना का बच्चा है तो ड्रॉप के अनुसार, जैसे 1 महीना में 1 ड्रॉप, 2 महीना का 2 ड्रॉप, इस हिसाब से देते हैं। अगर 6 मंथ का बच्चा है तो 6 ड्रॉप देते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट भी बोलते हैं कि दे देने के लिए, या माँ का दूध के साथ कुमारी दे आसव देने के नंबर लिए। 1 देते हैं कि 3 वाला देते हैं? फ्री देते हैं सर, 3 बच्चे को तो 3 ही देते हैं, अच्छा उसमें ठीक थोड़ा अब्रक वगैरह नहीं डाला हुआ है ना, तो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होता है, तो बच्चे के लिए वही देते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा काम करता है सर, जो बच्चे को बेड वेटिंग वगैरह भी है ना, उसमें भी ये काम करता है, क्योंकि इसमें विडंग वगैरह पड़ा हुआ है तो कृमि का भी नाश करता है, डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है, लीवर का जो भी पैथोलॉजी है वो भी खत्म करता है। बहुत अच्छी दवा है सर। जी जी और इसी के समकक्ष में एक दवा है जो हम बच्चे को देते हैं, बहुत अच्छी है वो भी। सर जो इंग्रेडिएंट बताया है ना, वो भी उससे मिलता जुलता है, कूट क्रिमीन करके आता है नागार्जुना का, तो अच्छा, ये इसलिए चूंकि सीरप है ना, सीरप फॉर्म में है तो कोई भी बच्चा ले लेता है। इसमें का भी इंग्रेडिएंट हम बताते हैं सर, इसमें कुटकी, हरित की, विभित की, अमलकी, चित्रक, कुमारी, विलवा भी दिया है, इंद्रजौ दिया है, और उसीर है, तवक है, सूंठी है, मरीच है, पिपरी है, विडंग है, ये भी बहुत मस्त इंग्रेडिएंट है। और एक तो इसका फ्लेवर रहता है ना, बच्चा भी ले लेता है, कोई भी लेता है बड़ी अच्छा से, तो अच्छी दवा है तो सर, तुम्हारी आसव नंबर 3 तो बहुत अच्छी है दवा। जी आप सर, कहाँ थैंक यू सर। प्रैक्टिस करते हैं? आप कहाँ प्रैक्टिस सर करते हैं? टुंडला में, टुंडला में है सर, टुंडला में, टुंडला वो कहाँ, यूपी में में है सर। जी जी वो जी बात हुई कहाँ? थी ना सर, मुझसे तो कई बार बात थी नहीं तो आप वहाँ क्या भोजपुरी में बात करते हैं? आपका आवाज नहीं तो सर भोजपुरी टोन आता है। ठीक हाँ, एक्चुअली है, मैं बेसिकली बिहार का हूँ तो थोड़ा सा टोन तो आता है उधर का। देखिए मंदाकिनी में हम आपके गांव के निकले, ये भी ऐसे पता चला टोन से कि ये भोजपुरी बोलते हैं जी 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 जी, जी और आपके बोली में थोड़ा मिठास है थैंक यू सर, जी। थैंक यू। आप मिठास तो आप पूरे आयुष दर्पण पे सर है, आप तो बहुत अच्छे, हम बहुत सौभाग्य है कि आपके जैसा गुरु मिला है हमको, इतने अच्छे अच्छे कल्प के बारे में जानकारी भी होती है। बहुत सारे कल्प तो नॉर्थ इंडिया में यूज भी नहीं किया जाता है, हम लोग को पता भी नहीं है, शास्त्र में तो है लेकिन वो सब चीज प्रैक्टिकली हम लोग नहीं यूज करते हैं, वो सब चीज भी आपके माध्यम से हम लोग को सीखने को मिल रहा है, और वो सब चीज हम अप्लाई भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए हम लोग के पास तो वर्ड नहीं है कि हम किस वर्ड से आपका आभार व्यक्त करें सर, थैंक यू सो मच, आप थैंक यू, तो आप बस बहुत अच्छा पेशेंट की हमको गाइड कर कदर रहे। लीजिए। अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो आप पेशेंट का भला करिए और उनके ब्लेसिंग्स लीजिए और ईमानदारी से ठीक करिए सभी को, यही मेरे जी जी को जी हो जाएगा जी। सर, ये नेक्स्ट अथी में थोड़ा सा एक पेशेंट का करना है, हाँ फिस्टुला बताइए, का है वो, उसके पे थोड़ा चर्चा करेंगे और उसका हाँ हाँ रिपोर्ट भी बताइए। थोड़ा शेयर करते हैं, एक बार पहले भी किए थे, अभी फिर शेयर करेंगे, प्लीज सर आप एक बार देखिएगा, उस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में 8:15 वाले में मिलेंगे। ठीक जी 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 है, उसी समय करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर, प्रणाम डॉक्टर सर, रश्मि मैम, जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बिल्कुल सर, तिवारी सर से यही क्वेश्चन पूछना था कि ये 6 महीने के बेबी को वो 6 ड्रॉप देते हैं, लेकिन ये किस बीमारी में देते हैं सर, ये पूछना था। मैम जैसे बच्ची को जब दूध दूध नहीं पी रही है ना, वो कुछ
कोई भी हो, मेल या फीमेल कोई भी बच्चे हो, तो दूध अगर अच्छा से पी नहीं रहा, उसको बार बार रो रहा है, तो बच्चे रो रही है या रो रहा है तो इसे यही हम डायग्नोस करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको पेन है, अफरा है, गैस उस बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम दे सकते हैं, तो सेफ मेडिसिन है। जी मैम, इसको अग्निमंडी में भी ले सकते हैं सर, या सिर्फ गैस के तौर पे ही लेना है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा हो या बार बार रोता है, ऐसी स्थिति में भी देते हैं। मोशन अगर हार्ड रो रहा है उसमें भी देते हैं, मोशन भी बढ़िया कराता है। एलोवेरा परा है ना, ये तो एलोवेरा का ही मिल है, तो इससे मोशन भी बढ़िया होता है, कब्ज भी दूर होता है बच्चे का, भूख भी अच्छी लगती है। सर, आपने नागार्जुन की कौन सी मेडिसिन बताई थी जो अभी आपने बताई, इससे सिमिलर? कूट क्रीमिन करके आता है, कूट क्रीमिन। अच्छा, कूट क्रीमिन, ओके सर। जी जी, सिर्फ सिर्फ फॉर्म में है, जैसे बाल चतुर भद्रा बच्चे के लिए जो बनाती है दूध पापेश्वर, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट है इसका, कूट क्रीमिन को हम छोटे बच्चे को में भी देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। प्रणाम डॉक्टर, थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, आप इसका नाम उसमें लिख देंगे, ग्रुप में लिख बिल्कुल देंगे? मैं डाल देता हूँ, उसका फोटो खींच करके डालता हूँ। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके साथ कुछ देते हैं बच्चों में आप? तिवारी जी, आपसे पूछ सर। हाँ जी मैम, जी मैम बोलिए। कुमारी आसव के अलावा बच्चों को और कुछ अग्निमानती है या कब्ज है तो और कुछ देते हैं आप? हाँ मैम, वो बाल चतुर भाद्रा जो सिरप है ना, वो तो एक तरह से बच्चे को कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम देते हैं, बोलते हैं कि उसको 1 मंथ दे दीजिए, फिर कुछ दिन ब्रेक कीजिए, फिर दीजिए। वो तो इतना बढ़िया, उसमें 4 इंग्रेडिएंट है कि कोई अगर दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर हम बच्चे को देते हैं तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, बार बार सर्दी जुकाम लूज मोशन जैसा फीवर की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाल चतुर भद्रा भी सिरप बहुत अच्छा है और बच्चे लेते भी हैं, छोटे बच्चे भी ले लेते हैं बढ़िया से, उसमें कोई इशू नहीं है, तो उसको चला सकते हैं। अगर बच्चा हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको ले सकते हैं। जी मैम, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? अंजना मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? कुमारी यादव का अपना एक्सपीरियंस सभी से शेयर करेंगी अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी सर, आपने इतना अच्छा आज बताया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जनरली गायनिक पर्पस से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा यूट्राइन टॉनिक के साथ साथ, जैसे आज बात भी हुई और पहले भी डिस्कस हो चुका है, लीवर टॉनिक भी बहुत अच्छा काम करता है। मेरे को तो वैसे भी गहन चिकित्सा सबसे पहले करनी रहती है, तो काल मेघासव और कुमारी आसव ये मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। और जिस तरह से आज आपको मैंने सुना और बहुत ज्ञानप्रद था सर वो, और बहुत लाभप्रद भी है पेशेंट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे हम अगर 1 शीशी या 2 शीशी पेशेंट को पिला देते हैं, जनरली 3 शीशी तक पिला देते हैं, तो थोड़ा सा इतना महंगा भी नहीं पड़ता और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर एक बार गृहिणी का शोधन हो जाता है, गृहिणी दृष्टि खत्म हो जाती है, तो फिर इम्प्लांटेशन बहुत जल्दी होता है बंधक में भी, और एज ए जो गायनिक प्रॉब्लम्स है पेशेंट को उसके लिए भी। जनरली जो फैटी लीवर के पेशेंट बहुत मिलते हैं हम लोग को आजकल, जनरली उसका जो पेशेंट हमें लगता है कि जहाँ देखिए वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम, पेशेंट को थोड़ा सा ओवर वेट, थोड़ा BMI ज्यादा और थोड़ा सा, तो मैं आँख बंद करके ये दोनों सिरप चलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और बाकी आप तो कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहते हैं, और मरीजों के हित के लिए ही आप जुड़े हुए हैं हम लोगों से, हम सभी जानते हैं। और उसकी सारी की सारी जो शुभकामनाएं हैं आज नवीन सर को मिल जाए, हम लोग जो भी मेहनत करते हैं सब लोग मिलते हैं, और हम इससे जल्दी से ठीक हो जाए। आप और आपका तो कहता है ना बहुत बड़ा योगदान है ये, क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हैं हम लोग के साथ, अपना कीमती टाइम निकाल के जरूर से जरूर एक लेक्चर जरूर लेते हैं। इसके लिए मेरा मन अंदर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है, और कुछ वर्ष नहीं है, कभी कभी तो लगता है सर कितना रेगुलरली आप क्लास लेते हैं, और नए नए टॉपिक्स और बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग डेली मेडिसिन यूज करते हैं उसको आप अच्छे अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और मंदाकिनी मैम, आशा मैम, आप लोग यूज करते हैं कुमारी आसव? सब लोग आप लोग का अनुभव सुनने के लिए आए हैं। जी सर, यूज करते हैं कुमारी आसव। आप बोल दीजिए मैम, फिर मैं बोलती हूँ। आशा मैम को पहले बोलने दीजिए। हाँ मैम को। अरे कोई बात नहीं, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। कुमारी आसव मेरा भी फेवरेट है, जैसे गायनिक में जब से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो पहले हमारे मैम लोग सिखाते थे कॉलेज में कि कुछ भी हो, कष्टातर है या फिर अल्पातर है, अत्यातर है, कुछ भी है, गायनिक डिसऑर्डर में आपको
आंख मुंडे कुमारी आसव दे ही देना है। तो तब से एक आदत से पड़ी है कि नहीं, गायनिक के रिलेटेड कोई भी केस आता है तो कुमारी आसव को देते ही देते हैं। लेकिन इसके साथ में कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बताया कि जिनकी अग्नि पहले से मंद होती है तो उसमें कई बार लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया सर कि कुटजारिष्ट के साथ भी उसको आप कंबाइन करके दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा से ध्यान में रखूंगी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था तो मुझे बंद कर देना पड़ता था, फिर मैं बाद में फिर कुटज त्वक घनवटी या फिर कुटज त्वक का चूर्ण दे देती थी। तो अभी ये कुटजारिष्ट के साथ यूज करना काफी मतलब फायदेमंद रहे। साइड इफेक्ट भी होता है, मेरी की पेशेंट की सर तो ब्लीडिंग साइड इफेक्ट कर देता है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है ये। हाँ, ज्यादा लूज मोशन कर करके परिकर एक्चुअली उनको ना अग्निमान्द्य, और हाँ अग्निमान्द्य था काफी टाइम से, और मेरे पास जब पेशेंट आई तो काफी मतलब 2 साल से उनको अग्निमान्द्य की परिस्थिति थी। तो मैंने सोचा कि चलो और अग्निमान्द्य और अल्पार्थ, तो इसलिए मैंने कुमारी ऐसा स्टार्ट किया। लेकिन 1-2 वीक में ही बोले मुझे बहुत लूज मोशन हो, फिर मैंने बंद करा के उनको कुटज तक चूर्ण चलाया था, और फिर बाद में मैंने उनको फिर कुशानग नागकेसर वगैरह दी थे, फिर मतलब कुमारी आसव छोड़ते हुए दूसरा कुछ दिया जी। मैम ये अत्यार्थों में गर्म नहीं पड़ेगा आशा मैम? अत्यार्थों में भी आपने बताया तो उष्ण नहीं हो जाएगा मैम? अत्यार्थों में ये यूटेराइन टॉनिक के तौर पे पहले तो हम तो बोलभद्र रस पुष्यानु वो सब देंगे ना बंद करने के लिए, इतना मतलब पित्त की जो रक्त की पित्तता है, पित्त की अधिकता है, वो हम कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, फिर बाद में यूटेराइन टॉनिक के तौर पर देते हैं। उनको दिया था तो बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा था, फिर उन्होंने बंद किया तो पेशेंट का स्टेबिलिटी आ गया। तो अति मात्रा में जो अतिसार है वैसा हो रहा था, अति हो रहा था। कुमारी यादव का ये भी साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा मात्रा में दिया ना तो तकलीफ होता है, तो उसके बदले दूसरा आसव देना पड़ता। हाँ मतलब मात्रा तो ज्यादा नहीं थी, 20 ml ही था बीड़ी, लेकिन एक रहता है ना कि पेशेंट का जो अपना बल होता है वो क्षीण हो, उसमें आप अगर ऐसी हैवी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका भी सोच विचार करके देना है। हाँ मतलब उनके लिए 20 ml भी ज्यादा हो गया ना, कुमारी भेदनी हाँ, ज्यादा हो गया ऐसे बोला है, भेदन का भी करता है जी। जी ठीक है, अब मंदाकिनी मैम आप बोलिए, नोएडा की डॉक्टर मंदाकिनी मैम। जी सर, सर बहुत अच्छा आपने मतलब आज के मतलब ये टॉपिक रखा, मैं नहीं सुन पाई अभी, मैं जस्ट इन्वॉल्व हो पाई। सर कुमारी आसव बहुत अच्छी मेडिसिन है और मेरे बेटे की फेवरेट है, जैसे भी उसको पेट में दर्द है या कुछ ऐसे लगेगा भी हल्का सा भी कि मम्मी मेरे को हो रहा है, मैं जाके कुमारी आसव पी लूं, वो सर फटाफट 5 ml वो ले करके पानी मिला करके पी लेता है, और पता नहीं उसका मेरे ख्याल से मन का ही वो वहम होगा कि वो 5 मिनट में तुरंत ठीक भी हो जाता है उसका। और कुमारी आसव तो साथ में है क्या, ठीक तो होता है ना, थोड़ा टेस्ट में तो कड़वा लगता है? नहीं सर वो पी लेता है सर, वो सब तो मुझे नहीं पता, वो पी लेता है, लेकिन उसका ये फेवरेट है, जैसे ही उसको पेट में भी दर्द होगा है मैम। एज क्या है बच्चे की आपके? मैम वो 6 साल का है, तो वो okay. वो मतलब वो 5 साल से ही पी रहा है, वो जब भी कुछ होता था ना उसको हम लोग शुरू से ही मतलब जब दवाइयां इंट्रोड्यूस करी हमने आयुर्वेदिक की, 4 साल की ऐसे हमने शुरू कर दी थी उसको, तो वो तब से पी लेता है, अभी भी उसको मतलब दिन में 1-2 बार वो पी लेता है जब भी लगेगा, और वो काफी मतलब चूजी भी है, जैसे लूज मोशन हो जाएंगे तो वो एकदम ही दूध बंद कर देगा, अपने हेल्थ को लेके काफी वो रहता है। और इसको मैंने सर फैटी लिवर में भी चलाया है, और जब भी आती है आर्तव में सर मैं हमेशा इसको कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ, इसकी मात्रा में कम रखती हूँ, दशमूला रिस्ट के साथ यूज करती हूँ, तो मुझे मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता। जैसा कि अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि उष्ण होता है तो ये ऐसे ब्लीडिंग करा देता है, तो वो मैम जो कह रहे थे ना सही कह रहे थे कि हम उसको स्टॉप करते हैं, लेकिन मैं उसको फिर कॉम्बिनेशन में चलाती हूँ, तो दशमूला रिस्ट के साथ में इसको या फिर अशोका रिस्ट के साथ में, तो ये काफी अच्छा काम करता है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। मैम आप जिससे ये दशमूला रिस्ट अशोका रिस्ट के साथ देती हैं, क्या दोनों को एक साथ मिला देती हैं या फिर अलग अलग देती हैं? नहीं नहीं दोनों मिला देते हैं सर। ओके ओके थैंक यू। तो कितना डोज में मिक्स करते हैं दोनों चीजें? सर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छी खासी हेल्दी पेशेंट है सुकुमार नहीं है तो 15 ml से ज्यादा मैं बढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाता है, और पेशेंट अगर ठीक ठाक है लड़की वड़की है तो 10 पहले तो मैं उसको 3 दिन बाद बुला ही लेती हूँ,
तो वो 10-15 ml का अगर कुछ शिकायत करती है तो डोज कम कर देती हूँ, नहीं तो 15-15 ml चलता ही रहता है सर, टू टाइम बीडी आफ्टर फूड। तो अभ्यारिष्ट और कुमारी आशा में किससे पेट अच्छे साफ? अभ्यारिष्ट नहीं सर, अभ्यारिष्ट नहीं, कुमारी आशा प्रश्नकुला। आप मुझे बस ये बताइए अभ्यारिष्ट और कुमारी आशा में पेट साफ करने के लिए कौन सा बेस्ट है? सर एज सच मुझे तो कोई एक्सपीरियंस कुमारी आसव से तो मिला नहीं पेट साफ करने का, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन में सुना, तो मुझे तो लगता है कि अभ्यारिष्ट ही बेस्ट है पेट साफ करने के लिए, कुमारी आसव का मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला सर पेट साफ करने के लिए। वो ज्यादा मात्रा में देने से होता है पेट साफ? हाँ, तो मेरा सर 15 मुश्किल से 20 ml या 15, इससे ज्यादा मैं बढ़ती नहीं, इससे ज्यादा मैं बढ़ती नहीं, और अक्सर कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन लीवर वगैरह वाले में होता है तो सर तब उसमें कम दिन चलाती हूँ सर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आरोग्य वर्धिनी चली रही होती है, तो फिर उसको एक महीना चला के फिर बंद कर देती हूँ मैं जी। फिर तो दवाइयाँ चेंज हो जाती है, कभी काल मेघा सब हो जाएगा, कभी रोहित का कुछ ऐसे करके चलता रहता है। हर दवाई का कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए कि ये पेशेंट में अभ्यारिष्ट अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट से भी पेट साफ होता है, तो कौन सा मेडिसिन बेस्ट सूट करेगा ये पेशेंट को, ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए जी। ठीक है, और डॉक्टर पूजा मैम आप कुछ बोलेंगी? पूजा भावसार मैम आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए, सब लोग एक्सपीरियंस सुनने के लिए आए हैं, कुछ बोलिए आपका कुछ एक्सपीरियंस है। रश्मि गुप्ता मैम, श्वेता मैम, कुछ बोलिए आप। एक एक करके पूजा मैम पहले बोलिए। हाँ सर, ये कुमारी आसो नंबर 3 जो है वो बच्चों में मैंने चलाया है सर, वैद्यनाथ कंपनी का मैं देखी हूँ सर, और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। वर्म्स का भी मतलब हिस्ट्री रहा तो वहाँ पे भी काम किया है सर इसने, जैसे कृमि भी रहता है ना, तो वहाँ पे भी मुझे रिजल्ट्स मिला है। और जो भूख बढ़ने की दवा, पेशेंट काफी मतलब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, इनकी भूख बढ़ाने की दवाई दीजिए, तो सिंपली नंबर 3 एक ही दवाई देंगे तो भी हमको फायदा होता है सर इसमें, मतलब मुझे तो अच्छे रिजल्ट्स मिले तुम्हारे नंबर 3। वैद्यनाथ का खट्टा होता है, सांडू का कुछ अलग होता है, डाबर का कुछ अलग होता है, कौन सा अच्छा है? मुझे वैद्यनाथ, देखिए सर आशा वरिष्ठ में वैद्यनाथ के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है, और अभी जो अभी दुष्पा पेशवर ने नया सीरीज लॉन्च किया है, लेकिन उसके सारे ही अच्छे नहीं है, कुछ कुछ ही अच्छे है। और अभी वैद्यनाथ ने नया रेंज लॉन्च किया है लास्ट फ्यू मंथ्स में, वो लास्ट में उसका अमृत आता है, अमृत फॉर एग्जांपल दशमूल का जो है, तो पहले जो वैद्यनाथ का आता था दशमूल अरिष्टा, उसमें उन्होंने अभी इंग्रेडिएंट्स का डीएस फॉर्म डेवलप किया है, उसको लास्ट में दशमूल अमृत करके आया है, न्यू सीरीज है अमृत की, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, और काफी मतलब उन्होंने आई थिंक कुछ 80 rupees या 90 rupees बढ़ा दिया है चार्जेस, लेकिन वो सीरीज में चला रही हूँ, बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इवन फॉर कुमारी आसव दशमूल अरिष्टम अमृतम ऐसा आता है वो लास्ट में जी। ये तो आपने उसके... ये नया हाँ सर, आप पेटेंट का मुझे कुछ भी पूछे मैं बताऊंगी सर। तो बताइए ना, हम सुनने के लिए तो बैठे हैं सभी का। हाँ, तो मैं चाहिए तो कल आपको मॉर्निंग में ओपीडी से उसका फोटो भेजती हूँ, वो सीरीज सभी डॉक्टर ने अगर यूज करेंगे ना अपने प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है सर, मतलब अमृत आप ऐसा सोचता कि डबल स्ट्रेंथ निकला है आशा वरिष्ठा का वैद्यनाथ का, और दूध पापेश्वर में जीरा का रिष्ठा अच्छा रिजल्ट है सर, जीरा का रिष्ठा के लिए देते हैं। मैं फीमेल के केसेस में देती हूँ सर, जिनको कैल्शियम डिफिशियंसी भी आता है, मतलब अबव 40 years में जो भी मेरे पास मेंसेस के प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्योंकि इंडियन वुमन जो रहते हैं ना वो आफ्टर 40s भी जल्दी कैल्शियम लेते नहीं है frankly speaking, और आफ्टर डिलीवरी और पोस्ट मेनोपोज प्री मेनोपोजल और मेनोपोजल स्टेज में तुमको और तकलीफ होता ही है हाथ पैर दुखने का, तो इसका दूध पापेश्वर का अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे इसमें जी सर। और बच्चों में तो ये नंबर 3 अच्छा है, बाकी बड़ों में नंबर 1 अच्छा चलता है, लेकिन मुझे एक मतलब एज पर माई स्टडी पतंजलि भी मैं काम किया था, तो लोग क्या कर रहे थे अपने मन से ही कुमारी का स्वरस पी रहे थे, कोई लोग स्वरस पी रहे थे, कोई रोज कुमारी आसव पी रहे थे, और आपने जो बात बताया ना अभी कि जो लोग ज्यादा लेते फिर मोशन हो के, मैंने लिटरली वैसे पेशेंट देखे सर फिशर्स के, उन्होंने अपने मन से इतना कुमारी का जूस पिया, इतना कुमारी का जूस पिया कि वो फिशर्स और पाइल्स लेके ही हमारे पास आते थे कि मैडम मैं तो साल भर से जूस पी रहा हूँ कुमारी का, देखिए मुझे ये हो गया, तो हमको वहां पे भी उनको काउंसलिंग करना पड़ता है कि हमको क्यों फिर बाबा जी ने बिठाया है यहाँ पे ओपीडी में, हम लोग इतना पढ़ क्यों रहे 10-10 साल,
तो आप अपने मन से जूस भी नहीं पीना है, और मुझे एक आमलकी का भी आया है सर, आमलकी सोरस का भी, कि ये क्या कर रहे हैं, आमलकी सोरस पी रहे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन जो कि शीत होता है, सुबह सोरस पीते हैं, आंवले का जूस पी के मस्त मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं हाफ चड्डी वो डाल के, और फिर उनको है ना सर वात वृद्धि भी हो रहा है, और शीत ऋतु में अगर बाहर निकल रहे तो कोल्ड कफ का शिकायत आ रहा है, फिर वो कंप्लेन लेके आते थे कि हमको तो बहुत कोल्ड कफ हो रहा है, तो फिर उनको ये पूरा हेतु हमको बताना पड़ता है, वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि ये हर चीज सभी के लिए नहीं बनी है, प्रकृति ऑल्सो मैटर्स, और सभी चीजों का डोजेस हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है। देखिए पूजा भावसार मैम ने कितना इम्पोर्टेंट चीज बताया, ये आप लोग अपने पेशेंट लोग को भी बताएगा जो ये बता रही है। हाँ अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है सर अभी, क्योंकि ऐसे 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 पेशेंट आ रहे हैं कि जैसे आपने एक बार बताया था मेरे को, इसका बताया था आपके सीरीज में आरोग्य वर्धिनी का, वो मैंने हाँ। यहाँ पे एक पेशेंट देखा है सर, वो पीछे मतलब उसका जमाई IMR था, उसने उसको बोला कि आप आरोग्य वर्धिनी ले लो, 2 साल वो बंदी ने आरोग्य वर्धिनी खाया, एकदम दुबली पतली हो गई, अब वात महाभूत और आकाश महाभूत तो बढ़ेगा ही, इतना आरोग्य वर्धिनी खाएंगे वृक्षता तो आएगी आएगी हाँ। तो वो सब सिम्टम उसको दिख रहे थे सर सामने, और जिम का भी प्लीज अवेयरनेस कीजिए सब हमारे डॉक्टर्स, यहाँ पे अभी मेट्रोज में तो बहुत वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इतने जिम जा रहे हैं ये आज का जनरेशन, और बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं जी। देखिए पूजा मैम का एक एक शब्द कितना इम्पोर्टेंट है, एकदम प्रैक्टिकल है जो भी बता रही हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ थैंक यू मैम। हाँ रश्मि गुप्ता मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ प्रणाम सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी इसकी 3 वेराइटी आती है ना, प्लेन कुमारियासव आता है और एक कुमारियासव नंबर 1, कुमारियासव नंबर 3 ना। हाँ तो सर सांडो वाले जो प्लेन है उसमें कहीं मेंशन नहीं, तो प्लेन आता है ना इसका? अभी मुझे नहीं मालूम है, कंपनी का तो ये लोग बताएंगे बाकी लोग, मुझे नहीं मालूम है। मैं इसका बताती हूँ सर, मेरे पास आंसर है इसका। हाँ हाँ बताइए मैम। मैडम मैंने एक बुक में पढ़ा था हमारे वृद्ध वैद्य के, अभी एक्चुअली बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, तो जब भी ये सीरीज चालू हुआ था हमारे जो वृद्ध वैद्य है उन्होंने कुमारी असो जब डेवलप किया था ना जब काफी साल पहले, तब ही उन्होंने नंबर 1, 2 और 3 ऐसा ही बनाया था, लेकिन एज पर देयर एक्सपीरियंस जब उन्होंने सालों साल यूज किया ये तीनों भी कुमारी असव, तो उनके ऐसा ध्यान में आया कि कुमारी असव 1 का रिजल्ट जैसे बड़ों में अच्छा लग रहा है और 3 नंबर का जो है वो बच्चों में हो रहा है, तो 2 का जो है फॉर्मुलेशन वो थोड़ा सा ये हो गया है, क्या मतलब डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि उनको प्रैक्टिस में वो मिला नहीं था रिजल्ट पेशेंट्स पे, तो जो प्लेन कुमारी असव है ना वो हमको कंसिडर करना है कि दैट इज कुमारी असव नंबर 1, और जो बच्चों का है वो दैट इज नंबर 3, इतना ही इनफ है मैडम, और जो भी लेबल नहीं रहेगा ना जहाँ पे कि 1 है या 2 है जी, तो जी। आप समझ लेना कि वो सिर्फ नंबर 1 ही है। ओके हाँ मुझे okay, भी ये डाउट, मैंने इसके बारे में काफी बिल्कुल क्योंकि इसका मेंशन ही नहीं होता सांडू वाले में ना कि इसका रीजन मैं आपको बताया, मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते मैं बुक्स में ढूंढती हूँ, किसी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी पूछती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर इस पे सर्च किया था मैडम तो मुझे ये आंसर मिला था। ओके मैम थैंक यू सो मच जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं। सर मुझे पूछना है। सर अभी एक पेशेंट आई है मेरे पास, उसको टाइफाइड था, वो भर्ती थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसका 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोला है, तो सर अभी हम अपने आयुर्वेदिक में क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं लोहा सर के अलावा? कितना HB कितना है? 6 ग्राम। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दीजिए ना। नहीं सर उसने नहीं कराना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको नहीं कराना है। तो आप दाढ़ी में पहले अग्नि बढ़ाइए, दीपन पचन कुछ दीजिए, फिर जितपन करा के फिर लौकल्प दे दीजिए। दीपन पचन में क्या दो सर? दाढ़ी मस्तक चून लक्षण दिवटी चित्र नहीं, लौकल्प 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 में नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, फिर ताप्य दिलो, कितना बढ़िया बढ़िया मंडूर भस्म। सर ये जो मतलब जैसे कि पुनर्नवा मंडूर वगैरह है सर, इसमें कैसे सर 1 महीने में कितना रिजल्ट मिल जाता होगा, कितना ग्राम बढ़ जाता होगा सर, कुछ आइडिया? मेरे को तो ऐसे 7 दिन में एक यूनिट बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, अभी कंपनी का पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता, वो बाकी लोग बताएंगे। ठीक है सर।
सर और कुछ सर, जैसे मैंने अभी लोहा सा भी इंट्रोड्यूस कराया, तो उनको अनार का रस पीने के लिए बोलिए, दाढ़ी मार ले, मैंने बोला है चुकंदर का जूस तो बोल दिया है, अमरान सिरप दीजिए, अमरान कोट भी दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, और अमीरोन एक महीने में अगर ये सब देंगी मैम तो 3 से 4 यूनिट तक भी बढ़ता है, अगर आप सही दे रही हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सर ने जो कहा ना घृत पान करा के दीपन पाचन करके, तो 2 से 3 यूनिट भी बढ़ जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, घबराने वाली थोड़ी बात है, अमरान फोर्ट टेबलेट आता है सर और एमिल की, और अमरान सिरप आती है, अगर शुगर नहीं है तो सिरप भी दे सकते हैं उसको, और सर ने जो लोहासो बताया और लोह कल बताया ना वो रिजल्ट सही है, हो जाता है उससे, लोहा सबका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, मैंने आप कितनी डोज में देते हैं सर, आप कितनी डोज में देते हैं एमआरआई? 3.5 पे पेशेंट को हमने बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके आए थे हम लोग, पेशेंट को 3.5 तक 3.5 तक ब्लड आ गया था और कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, और दवाइयों से ही पेशेंट ने फेथ किया और दवाई से 1.5 महीने के अंदर उसे स्टेबल ले आए थे, तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप डोजेस क्या देते हैं, मतलब कितनी टेबलेट दिन में देते हैं, कैसे देते हैं बीडी कैसे? सर देखो पेशेंट के डाइजेशन के हिसाब है ना, इमरान कोट का 2 टेबलेट तक एक बार में दे सकते हैं, 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम, और 30 ml तक अपना इमरान सिरप भी दे सकते हैं, और बाकी और भी जो लोहासो चलेगा और जैसे दीपन पाचन के लिए जो चलेगा उसके हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से डोज डिसाइड कर लीजिए। ओके सर, 30 ml सर बीडी भी दे सकते, बीडी है आपने बोला या सर? बीडी भी दे सकते हैं, टीडीएस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर बाकी आप लोगों को कोई भी बात करना है तो 8:15 वाले सेशन में करिए बात प्लीज, अभी हम सेशन थोड़ा ब्रेक करते हैं, ब्रेक लेना जरूरी है ना सभी को, ठीक है 8:15 पे मिलेंगे, थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को।